गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप करेंगे, दैट इज फोर ईच लूप. फोर ईच लूप हमेशा एरे के साथ वर्क करता है. ठीक है, एरे में जो वैल्यूज स्टोर होती हैं उनको एक्सेस करना होगा. तो हम कौन सा लूप यूज करेंगे? फोर ईच लूप. ठीक है, तो क्या बताया कि फोर लूप किस लिए यूज होता है? ये फोर ईच लूप जो होता है हमेशा वर्क करता है, वर्क्स ओनली विद एरेज. एरेज में जो भी वैल्यू स्टोर होती है उनको एक्सेस करने के लिए यूज होता है. ठीक है, अब बात आती है कि एरे क्या होता है. तो एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स है. ठीक है, मींस एरे में सिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर होती है. मींस अगर आप एरे में इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो उसमें एरे में जो होंगी सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होंगी, उसमें करेक्टर वैल्यू स्टोर नहीं होंगी. अगर उसमें एरे में अगर आप करेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो उसमें इंटीजर वैल्यू नहीं स्टोर होंगी. इसलिए क्या बोलते हैं कि एरे जो है कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, मीन्स सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को ही स्टोर करता है. ठीक है, और अभी क्या बताया कि फोर ईच लूप जो है एरे के साथ वर्क करता है और एरे की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज होता है. तो फोर ईच लूप में क्या होता है कि ये एरे की जो वैल्यूज होती हैं उनके लिए एक अलग टाइप का वेरिएबल बनाया जाता है. ठीक है, ये जो एरे की जो वैल्यू होती हैं, एरे में जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो उसके लिए क्या बनाया जाता है, एक अलग सा सॉरी वेरिएबल बनाया जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे सिंटेक्स ऑफ फोर ईच लूप. तो देखो सिंटेक्स कैसे करेंगे, लिखेंगे पहले फोर ईच, उसके बाद एरे, क्योंकि फोर ईच किस सब वर्क करता है, एरे. ठीक है, उसके बाद एरे की वैल्यू किस में स्टोर हो जाती है, किसी वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल में स्टोर करने के लिए लगाते हैं एज कीवर्ड. ठीक है, एरे एज वेरिएबल में स्टोर करना है तो एज वैल्यू. वैल्यू क्या है, वेरिएबल है. फोर ईच एरे एज वैल्यू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ पे कोड, जो भी कोड एग्जीक्यूट होना होगा वो यहाँ पे आएगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फोर ईच लूप. नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे फोर ईच लूप का. तो प्रोग्राम देखो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ फोर ईच लूप. देखो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे HTML, उसके बाद बॉडी. ठीक है, उसके बाद PHP, उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे. एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने एरे को स्टोर करूंगी. तो एरे कैसे बनाते हैं, उसके लिए लिखते हैं एरे, उसके बाद ब्रैकेट में जो जो वैल्यू आपने एरे में स्टोर करनी है. ठीक है, ये आप स्टोर कर रहे हो करेक्टर वैल्यूज. ठीक है, उसके बाद आपने बी स्टोर किया एरे में, क्योंकि एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, उसके बाद कोमा, आपने फिर सी लिखा, फिर डी, फिर उसके बाद सेमीकॉलन. ठीक है, तो ये एरे जो आपने क्रिएट किया, एरे कैसे क्रिएट करेंगे, एरे और उसमें जो एलिमेंट्स आपने स्टोर करने हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे. फिर उस एरे के लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया. ठीक है, ये एरे किस में स्टोर कर दिया, एक वेरिएबल में. ठीक है, उसके बाद लगाएंगे हम फोर ईच लूप. फोर ईच कैसे लगाते हैं, पहले क्या था सिंटेक्स में, देखो एरे लिखा था ना, एरे लिखना है यहाँ पे. तो एरे किस में है आपका, वेरिएबल एक्स में, तो डॉलर एक्स. उसके बाद क्या लिखना है, एज कीवर्ड लिख दिया, क्योंकि एरे के जो वैल्यू हैं वो किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है. एज वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने वैल्यू. वैल्यू भी ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं जिसमें आपको आपका एरे स्टोर करना है. तो मैंने ले लिया नाम वैल्यू ही ले लिया मैंने वेरिएबल. ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, ब्रैकेट. तो ये लगा दी मैंने ब्रैकेट. उसके बाद जो मेरे को कोड एग्जीक्यूट करना है तो लिखेंगे आपकी ये जो वैल्यू किस में है, इको
एरे किसमें है, वैल्यू में जो भी वैल्यू वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी उसको इको प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद आ गया सेमी कॉलन, उसके बाद करेंगे पीएचपी क्लोज, उसके बाद बॉडी, उसके बाद HTML। अब देखो ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार जो वैल्यूज होंगी एरे की वो इस वेरिएबल में स्टोर होती जाएंगी, ठीक है, जब तक वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, जितनी वैल्यूज हैं उतनी बार लूप चलेगा। देखो फर्स्ट टाइम में क्या होगा कि ए, ये मान लो आपका वेरिएबल का नाम क्या है, वैल्यू, ठीक है, ये एरे है, एरे की वैल्यू। अब पहले वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा, ए स्टोर हो जाएगा पहली फर्स्ट टाइम लूप चला तो, ठीक है। अब वैल्यू में क्या आ गया, ए आ गया, फिर इको क्या करेगा, आउटपुट आ रही है, देखो आपकी कैसे आउटपुट आएगी, इको वैल्यू को प्रिंट करेगा ना, वैल्यू में जो भी वैल्यू होगी, तो वैल्यू में कौन सी है, ए, ए है, ठीक है, इसने ए प्रिंट कर दिया। फिर कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये बार बार क्या है, अभी इसको वैल्यू मिल रही है, फिर उसके बाद फिर से लूप चलेगा, फिर से यहाँ से कंट्रोल जाएगा स्टार्टिंग में, फिर वैल्यू को बी वैल्यू मिल जाएगी, अभी वैल्यू में कौन सा वैल्यू स्टोर है, बी वैल्यू स्टोर है, ठीक है। फिर से इस वेरिएबल को मिलेगा इको, तो ये बी को प्रिंट करवा देगा, फिर से लूप चलेगा, स्टार्टिंग में जाएगा कंट्रोल, फिर सी स्टोर हो जाएगा वैल्यू वेरिएबल में, ठीक है। अब सी स्टोर हो गया, फिर से इसको सी की सी को प्रिंट करवा देगा, फिर से लूप चलेगा, फिर डी मिलेगा, डी जो है इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, डी स्टोर हो जाएगा इसमें, फिर इसको इको जो है प्रिंट करवा देगा डी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब लूप जाएगा तो उसको नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, तो कुछ प्रिंट भी नहीं करवाएगा और कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फोर ईच लूप जो है किसी वैल्यू को, एरे की वैल्यू को कैसे प्रिंट करता है ये हमने पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।